से जहाँ पर ट्रेन स्टार्ट इसका ले गया देखो ये काम खा गया कि ये बहुत पुरानी बहुत बड़ी तहसील है जिसकी आज 3 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये भी आप ये सही बता रहे हैं कि कस्बे के अंदर की जो पोजीशन है, जो टाउन की जो हालत खस्ता हालत है, वीडियो ना होने की वजह से कोई सफाई का मजबूत हाल नहीं है। और कोई इसका जितना भी ये बरसात के अंदर जितना भी पानी गंदगी वगैरह पूरी नालियां भर गई और दुकानदारों का पूरा सामान बिक गया, बड़े मुश्किल से इन्होंने अभी कितना नुकसान हुआ है और इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसमें जितने भी हैं तो डिफॉल्टर है, तो इसमें कौन है? महकमा पंचायत और RNB का है। ये RNB की वजह से और पंचायत वालों की वजह से ये पूरा इलाका जो टाउन का है ये पूरा धर्म भर्म हो चुका है। और ना ही ये म्यूनसिपैलिटी बनने देते हैं और ना ही ये खुद कोई काम करते हैं। असल में बात यह है कि कागजों में खाना पूरी हो जाती है, अमली तौर पर कोई काम नहीं इसका हो रहा है। हम गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करते हैं, या तो इसका सफाई का बंदोबस्त किया जाए, हमारा जल्द अज जल्द हमारा वीडियो मेंडर भेजा जाए, और या इसको म्यूनसिपैलिटी बताया जाए। हम ये बहुत ये मेंडर के आवाम जो है बड़ी मुश्किल हाल में है इस वक्त। आए दिन में ये मक्खियाँ मच्छर इतने ये बिनबिना रहे हैं मार्केट के अंदर, और ये बीमारी फैलने का सबब यही है कि जितनी गंदगी होगी उतनी ज़्यादा बीमारी होगी, जितना ज़्यादा सफाई होगी उतनी बीमारी कम होगी। हम गवर्नर इंतजामिया से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से क्या मेडर टाउन पर तवज्जो दें और यहाँ की सफाई का मुस्बत हल किया जाए और सफाई करवाई जाए। और हमारा यही है कि या तो इसको सफाई करो या तो इसको म्यूनसिपैलिटी बनाया जाए। मेरे पीछे ये बस स्टैंड है और ये गाड़ियों देखो और ये बस स्टैंड की हालत देखो। देखो हर साल 18 लाख से ऊपर ये इसकी बोली होती है हर साल। और अभी देखो कोई पीछे कोई पैसेंजर साइड देखो, कोई बैठने की जगह देखो, कोई पैसेंजर जो पास आते हैं उनके लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई टॉयलेट बाथरूम का सही इंतजाम है, ना पीने का पानी है। और हमें गवर्नर इंतजामिया से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से हमारी तहसील इंतजामिया से है कि इसका मायना किया जाए, ये पैसा कहाँ जाता है और कैसे लगता है, इसके ऊपर एक टीम बैठा के इसको फिल फोर एक्शन लिया जाए और ये जितना जल्दी हो सके यहाँ पैसेंजर साइड बनाया जाए। बाथरूमों की हालत जितनी खस्ता है ये बाथरूम होने चाहिए, यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और भी लोग जितने भी हैं ये टाउन की हालत कंजेस्टेड है, तो लिहाजा फौरी तौर पर बस स्टैंड की हालत सुधारी जाए।